वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों हमने कल तक किया था इलास्ट्रेशन 21 तक। अब देखना 22, 23 एंड 24, फिर हमारे बैलेंस शीट के क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? फिर हम कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखेंगे। देखना एक बारी इलास्ट्रेशन 22 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, आगे खोल के बैठनी है कि मैं उसको कैसे सॉल्व करा रही हूँ, ध्यान से देखना एक बारी बच्चे। एक्चुअली जो क्वेश्चन 22 दिया हुआ है, अभी तक आपको क्वेश्चन में अगर ऐसे कहता है हाउ शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट में ये आइटम कैसे शो ऑफ करोगे, मतलब किस हेडिंग और किस सब हेडिंग में। लेकिन कई बार आपको कहेगा शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, कंपनी के इन आइटम को बैलेंस शीट में शो ऑफ करके दिखाओ। जैसे आप 22 क्वेश्चन को तो कैसे भी कर सकते हो इसको हेडिंग और सब हेडिंग, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछ रहा है हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, कि कंपनी की बैलेंस शीट में ये कैसे शो ऑफ करोगे, मतलब कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में शो ऑफ करोगे। तो आप इसको जैसे अभी तक कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो बताओ डिबेंचर्स, उसने एक्चुअली बैलेंस शीट में लिख के बताया है, आप हेडिंग बनाना मेजर हेडिंग और सब हेडिंग करके बनाना। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे कब करते हैं, अभी 24 में कहेगा शो फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट, इन आइटम को बैलेंस शीट में शो ऑफ करो, तब आपको बैलेंस शीट में शो ऑफ करके दिखाना है। लेकिन कह रहा है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया है, हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, कि इन आइटम को बैलेंस शीट में कैसे शो ऑफ करेंगे, तो हम हेडिंग और सब हेडिंग ही बताएंगे तब तक। तो बताओ सबसे पहला डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की हेडिंग नॉन करेंट लायबिलिटी है और सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग। 22 में नेक्स्ट है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स की हेडिंग करंट लायबिलिटी है, सब हेडिंग नहीं होगी क्योंकि ट्रेड पेबल अपने आप में ही सब हेडिंग है। प्रोविजन फॉर टैक्स हेडिंग करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसके बाद है प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड के आगे लिखोगे इट इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। उसने इसको बैलेंस शीट में हेडिंग और सब हेडिंग में लिख के बताया, लेकिन आप इसको ऐसे ही करना। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 23, सेम उसके अंदर वही चीज है, शो हाउ द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। कह रहा है इन आइटम को बैलेंस शीट में कैसे शो ऑफ करोगे, तो हेडिंग और सब हेडिंग ही बताना, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, बताओ लैंड एंड बिल्डिंग की हेडिंग नॉन करंट असेट, सब हेडिंग फिक्स असेट, फिक्स असेट के ब्रैकेट में टेंजिबल लिखोगे। गुडविल, गुडविल के लिए भी हेडिंग नॉन करंट असेट बनाओगे, सब हेडिंग फिक्स असेट इंटेंजिबल के नाम से। पेटेंट, पेटेंट के लिए आप बताओगे हेडिंग नॉन करंट असेट, सब हेडिंग फिक्स असेट, फिक्स असेट के ब्रैकेट में इंटेंजिबल। उसने इन्हें बैलेंस शीट में लिख के बताया कि लिखते कैसे हैं, आप तब तक बैलेंस शीट में लिख के ना बताना जब तक वो ये वर्ड यूज ना करें, शो फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इन आइटम को शो ऑफ करो, तभी आपने शो ऑफ करना है, अदरवाइज हेडिंग और सब हेडिंग में बताना है। तो 24 में उसने यही लैंग्वेज यूज किया है, शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट, इन आइटम को बैलेंस शीट में शो ऑफ करके दिखाओ। तो मैं 24 को एक बार करके बता रही हूं आपको कि बैलेंस शीट में हम मतलब डायरेक्ट हेडिंग सब हेडिंग ना बता के नॉर्मली लिख के बताना है एक्चुअल में, ठीक है। तो आप वैसे लिखकर बताओगे कि कैसे लिखना है हमें इसे। देखना बच्चे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इलस्ट्रेशन 24 है ये, उस टाइम उसने बोला है अगर वो कहता हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, ये कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे शो ऑफ करोगे, तो इसकी भी मेजर हेडिंग और सब हेडिंग बता देते। लेकिन उसने कहा है शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट में इसको शो ऑफ करके दिखाओ। उसने 20 और 23 की लैंग्वेज है, तो आपने ऐसे लिख के लिखानी है। मैंने उसको नॉर्मली कर दिया, आप वैसे ही करना जैसे कर रहे थे। लेकिन 24 में उसने कहा इसको बैलेंस शीट में लिख के दिखाओ, तो आप प्रॉपर इसे बैलेंस शीट में लिख के दिखाओगे हेडिंग और सब हेडिंग में। देखना ये फॉर्मेट है कंपनी की बैलेंस शीट का, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है। पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, अमाउंट, अमाउंट,
डेट अगर आपको पता हो, वो कह रहा है 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च 2017, तो प्रीवियस कौन सा हो जाएगा, 31 मार्च 2016। ठीक है, तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 इस डेट की बैलेंस शीट बन रही है। ये जो आइटम गिवन है, मैं इसके अंदर लिख के बताऊंगी इसको आपको कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन गिवन है आपको यहाँ पे, तो मैं बैलेंस शीट सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखना। आइटम बताओ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल किस में आता है, करंट असेट्स। इन्वेंट्री भी करंट असेट में, कैश भी करंट असेट में, चेक और ड्राफ्ट इन हैंड बैंक का बैलेंस ये भी करंट असेट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये करंट लायबिलिटी है। तो आपको इसको लिखने के लिए पहले तो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, तो इसको लिखने के लिए बनाओ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। आपको पता है मेरे पास सिस्टम ना शेयर होल्डर की है ना नॉन करंट लायबिलिटी है, तो आप सबसे पहली हेडिंग यहाँ पे बनाओगे करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपके पास पहले दो हेडिंग की कोई आइटम नहीं है। तो आपको पता है ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है करंट लायबिलिटी हेडिंग में, और किस में पड़ा रहता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग में, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में पड़ा रहता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग बताना कितना है बैंक को ओवरड्राफ्ट, 1,50,000 दिया हुआ है। तो आपने ये शॉप करके दिखा दिया 1,50,000। अब किसी को क्या पता इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो आप इसका क्या बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, तो नीचे मैं थोड़ा सा नोट्स टू अकाउंट्स बना रही हूँ। बच्चे एक बार मैं इस साइड को रब कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, ये आइटम बुक से देख के रखना कि मेरे को कौन किन किन आइटम को शो ऑफ करना है। इसके नीचे ही मैं बनाती हूँ थोड़ा सा नोट्स टू अकाउंट्स, देखना ये बैलेंस शीट है, इसके नीचे मैं बना रही हूं नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, तो अब मुझे बताओ सबसे पहली आइटम मैंने क्या शो ऑफ कर दिया ऊपर, शॉर्ट टर्म वर्किंग नोट नंबर वन। तो वर्किंग नोट नंबर में बताओ ये आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जो आइटम है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, कितना है, 150। उसके बाद चेक करो और क्या चीज है। आपको पता है ये कैश और बैंक का बैलेंस, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में आएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ये सारे करंट असेट। तो आपको पता है एक और हेडिंग बनाओ आप करंट असेट्स। ठीक है, लेकिन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड अब कौन सा साइड बनाओगे, असेट साइड, क्योंकि अब असेट साइड की आइटम रह रही है बस। असेट साइड में, असेट साइड में भी आप हेडिंग, मेजर हेडिंग बनाओगे करंट असेट्स। करंट असेट में सबसे पहली सब हेडिंग है करंट इन्वेस्टमेंट की तो नहीं है, लेकिन आपको पता है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री को शो ऑफ करोगे। बताना क्वेश्चन में अमाउंट कितनी है इन्वेंट्रीज की, इन्वेंट्रीज है 10 लाख। लेकिन आपको इसका वर्किंग नोट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पता नहीं है क्या है, इन्वेंट्री इन्वेंट्री के नाम से ही है, तो आपको इसका वर्किंग नोट देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल लिख के दिखा दो। ट्रेड रिसीवेबल की बैलेंस शीट में इस तरह से शो ऑफ होता है। ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट है हमारे पास 6 लाख। इसका भी वर्किंग नोट नीचे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डेटर बीआर होते हैं, लेकिन डेटर बीआर के नाम से नहीं है, इसी नाम से ही है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कैश, चेक, ड्राफ्ट इन हैंड, ये सारा बैंक का बैलेंस, ये आता है कैश और कैश इक्विवेलेंट में। तो इसके लिए आप सब बच्चे ने जो हेडिंग 6 बताई थी, लाइन से चलना है, ये नहीं उठा के ऊपर नीचे करते रहोगे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये दोनों, बेशक से वो चेक कैश है और चेक इन ड्राफ्ट दोनों का टोटल है 120। ठीक है, तो आप ये 120 दिखाओगे। अब किसी को क्या पता है इसमें चेक और कैश और चेक का बैलेंस है, तो ये वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आया वर्किंग नोट नंबर 2। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर ये जो टोटल 120 आया वो कैसे आया वो देखना ध्यान से। एक तो इसके अंदर कैश का बैलेंस है, कैश बताओ मेरे पास कितना है, 20 है। और दूसरी चीज क्या है,
चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड, बैंक के पैसे कितने हैं? 1,20,000। टोटल नहीं करना बैलेंस शीट का, तो इस तरह से आपने शो ऑफ करके दिखाना है बच्चा कि ये किस तरह से शो ऑफ होता है, ठीक है। तो अगर कहेगा शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट, तो इनकी मेजर हेडिंग और सब हेडिंग ही शो करके दिखाओ कि बैलेंस शीट में एक्चुअल में कैसे शो ऑफ होते हैं, कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है 24 तक का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।